वाह जी वाह, क्या मस्त व्यू है यहाँ का भाई। देखो आगे आगे अपना जैगवार है, पीछे जुनैद भाई की गाड़ी है, पीछे लियाकत भाई है और लास्ट पे जुनैद भाई आ रहे हैं। मस्त व्यू है भाई यहाँ का, देखो भाई कितना अच्छा सिंगर है। आगे तो कंडीशन बहुत ख़राब है भाई रोड की, यहाँ तो बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, लेकिन आगे क्या करेंगे। चलो आगे के आगे देख लेते हैं। सेम है लेकिन उससे भी हिल है भाई, क्योंकि गर्मी है ना, गर्मी में गाड़ी चढ़ना उतरना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ तीनों पार की हैं तो यहाँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? अल्लाह आपको सलामत रखे, और मैं हूँ आप सबका दोस्त शकील। तो करते हैं व्लॉग स्टार्ट। दोस्तों जैसे कि मेरे पिछले व्लॉगों में देख लिया होगा, मतलब कंटिन्यू व्लॉगिंग नहीं कर पाया क्योंकि इस कारण वो एक तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ गुवाहाटी असम, तो दूसरे भाई मतलब गर्मी भी काफ़ी, मतलब तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी उसके कारण नहीं बना पाया। तो आज व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो माशाल्लाह गाड़ियाँ हमारी गुवाहाटी में एयरपोर्ट खाली करके, अब गुवाहाटी से ही हम मतलब लोडिंग करके अगरतला की तरफ जा रहे हैं, वो भी पेप्सी। और तीनों गाड़ियाँ मिल चुकी हैं, लियाकत भाई भी यहीं पे आ गए और जुनैद भाई तो थे ऑलरेडी साथ में, तो जुनैद भाई भी आ गए और सजाद भाई जो देखा जो मेरे साथ वो तो चला गया आगे हमें छोड़ के। चलो भाई हमने सोचा हम नए बंदे आराम आराम से जाएंगे। रात को आ गए थे गुवाहाटी से, मतलब थोड़े से आगे आ गए थे 15-20 किलोमीटर यहाँ से पेट्रोल डीजल वगैरह डलवा के पेट्रोल पम्प पर रात को सोचे, और वहाँ से अभी अपना सफ़र रखेंगे कंटिन्यू अगरतला की तरफ। और यहाँ से हमने सुना है कि मतलब रोड भी बहुत डेंजरस है, मतलब गाड़ शाट आते हैं, पहाड़ भी आते हैं यहाँ पे, तो आराम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि फर्स्ट टाइम आए ना भाई तो आराम से चलेंगे, देख के सुन के चलेंगे, और जब भी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर तो हमें पता ही होगा क्या है यहाँ, क्या सीन नहीं है। पीछे का जितना भी सीन है वो देख चुके हैं, अभी आगे का सीन देखना है। तो अगरतला इसलिए जा रहे हैं भाई क्योंकि वहाँ से माल लोडिंग करेंगे अपना महाराष्ट्र के लिए। और अपने सभी भाई देखो भाई ड्राइवर लाइफ क्या है यार, सभी भाई लोग घर पर ईद मना रहे हैं, हम कहाँ पर इस समय क्या कर रहे हैं यार। तो ईद पे इंशाल्लाह हम घर भी नहीं पहुंच पाएंगे, तो चलो देखेंगे। हमारी ईद तो वही है जिस दिन हम घर चले जाएंगे। तो अभी हम आपको यहाँ का थोड़ा व्यू दिखाएंगे, अपनी तीनों गाड़ियाँ यहीं पे, मतलब तीनों गाड़ियों में पेप्सी लोड है। और मैं आपको थोड़ा व्यू दिखाऊँ, यहाँ बहुत अच्छा मतलब माहौल है, बहुत अच्छी हवा आबोहवा भी है, मतलब हरियाली भी अच्छी है, और मतलब अपने कश्मीर जैसा मुझे थोड़ा सा फील हुआ भाई सुबह सुबह। तो देखो भाई यहाँ मतलब पार्क, एक पार्क भी बनाई गई है पेट्रोल पंप के सामने, और रात को हम यहीं पर रुके हुए थे क्योंकि पीछे वहाँ पर बाथरूम वगैरह सब कुछ था, यहाँ पर बाइक के पास डीजल वगैरह सब कुछ डाल लिया है, तो चलो भाई अच्छा लगा। तो देखिए भाई यहाँ का मतलब इस साइड में हमें जाना है भाई, तो ये रहा यहाँ पे छोटा सा एक पेट्रोल पंप भारत पेट्रोलियम, यहीं पे हम रुके हुए थे। तो लियाकत भाई भी हमारे साथ, लियाकत भाई और सुनाओ। लियाकत भाई ने एक चक्कर लगा लिया हमसे, आगे आए थे, कैसा लगा आपको ऊपर जाके? बहुत अच्छा यार, दिल्ली नहीं कहते जाने क्या नहीं? जाना। अच्छा तो चलो चलो भाई आज चलते हैं, आज देखते हैं भाई हम भी देखेंगे क्या सीन है, फर्स्ट टाइम आ रहे। तो ये लियाकत भाई की गाड़ी और हमारी दो वो उस साइड वाली, और देखो भाई पहाड़ के नीचे तो भाई लोग यहाँ पे थे अपनी गाड़ियाँ रात को रुकी हुई, और वो गाड़ी जो परली साइड देख रहे हैं ना जुनैद भाई की, सेम है भाई मेरी तरह, मतलब फर्स्ट चक्कर है भाई गाड़ी का, पहला चक्कर है, तो इसका दूसरा चक्कर है अपने जैगवार का। और देखो भाई इसका फर्स्ट चक्कर, ये भी BS6 है भाई, देखो ऊपर देख रहे हो भाई, वो लोग देख रहे हो इंस्टा यूट्यूब, ये मैंने अभी लगवाया मतलब इसी चक्कर। देखो भाई इस बॉडी का कलर ऐसा है कुछ, लोग यहाँ लियाकत भाई की गाड़ी में डलवा रहे हैं भाई डीजल, यहाँ से टैंकी फुल करेंगे और निकलेंगे जल्दी से जल्दी आगे। तो अपनी दोनों गाड़ियों की हो चुकी है फुल, शूटिंग चल रही है भाई। भाई लोग निकल चुके हैं अपनी तीनों गाड़ियाँ, लियाकत भाई और जुनैद भाई तीनों गाड़ियाँ निकल चुके हैं।
पहुंच चुके हैं भाई लोग टोल टैक्स पे। और देखिए भाई यहाँ पे टोल टैक्स है, मतलब पहाड़ों के बीचों बीच होते हुए एक टोल टैक्स आ रहा है। रोड भी अभी मस्त मस्त मिल रही है, तो आगे अभी आगे पता नहीं क्या सीन होगा, आगे कैसी रोड होगी, लेकिन यहाँ पर तो बहुत अच्छी रोड है। फाइनली भाई आगे रुक के यहाँ पे, और यहाँ से भाई देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखाऊंगा कितना रह गया अगरतला टेंगसौला। टेंगसौलिया 11 किलोमीटर, और चल रहे कंटिन्यू। अभी 11 बज गए दिन के, तो यहाँ पे हमने सोचा थोड़ा रेस्ट करेंगे। मतलब एक अच्छे सा मतलब जगह थी यहाँ पे, देखो भाई अपनी गाड़ी यहाँ पे रखी। और भाई पहुंच चुके हैं मगेलिया। मगेलिया में कंटिन्यू चल रहे हैं और पहुंच गए मतलब जोआ कुछ जगह का नाम है, पता नहीं क्या नाम है। और चल रहे थे कंटिन्यू बॉर्डर जो भी आगे, और अभी टाइम 1 बज चुके हैं। यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ थोड़ी देर के लिए पार्क की हैं, क्योंकि रेस्ट देंगे। बहुत हिल एरिया है, मतलब आपने वीडियो में देख लिया होगा, मतलब बहुत हिल है भाई। जम्मू कश्मीर सेम है, लेकिन उससे भी हिल है भाई, क्योंकि गर्मी है ना, गर्मी में गाड़ी चढ़ना उतरना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ तीनों पार्क की हैं, तो यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं। और पेट्रोल पंप भी है यहाँ पे, पेट्रोल पंप मतलब जेके नंबर सब गाड़ी यहाँ पे, जम्मू गाड़ियाँ बहुत चलती हैं भाई। तो यहाँ पे रेस्ट करेंगे थोड़ी 10 मिनट के लिए, और उसके बाद निकलेंगे जल्दी जल्दी। और लियाकत भाई क्या हाल है? बस अल्लाह का शुक्र। ये क्या आगे बोलता है? 300 300 300 रुपये। फाइनली भाई यहाँ से निकल चुके हैं, और रखते हैं अपना सफ़र कंटिन्यू यहाँ से। और अभी 3:30 बज चुके हैं दिन के,
ये रहे लियाकत भाई की गाड़ी। अब रुक गए अतमल में और चल रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। और भाई अभी टाइम हो गया है 4:30, तो ग्रीस वगैरह कर लेंगे। रोड की कंडीशन आगे थोड़ी ख़राब आ गई थी, अभी दुबा की गाड़ियाँ वहाँ पे करते हैं ग्रीस टप्पा। ये भाई ग्रीस कर रहे हैं। तो फाइनली भाई चल रहे थे कंटिन्यू, और मतलब एक जगह पहुँच गए मगेलिया में, तो यहाँ पे जाम वगैरह लगा हुआ है। तो अभी शाम के 7:30 बजने वाले, तो अभी हम चलेंगे एक घंटा और यहाँ पर थोड़ा जाम वगैरह, तो आगे देखें कहीं पेट्रोल पंप वहीं पे साइड लगा के सो जाएंगे, क्योंकि आगे रास्ता थोड़ा डेंजर रास्ता है। यहाँ की मतलब उतनी नॉलेज भी नहीं है कौन से मतलब रास्ते पे किस टाइम चलना है, और है भी मतलब डेंजर इलाका है यहाँ पे, तो इसीलिए अभी रात को कहीं पे स्टेप कर जाएंगे, सुबह जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। तो दोस्तों व्लॉग भी काफ़ी लंबा हो चुका है क्योंकि वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करना है ना, तो इसके लिए आई होप आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों अपना ख्याल रखना, तो मिलते हैं हम आपको अगले एक प्यारे से ब्लॉग में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपने दोस्त शकील को। अल्लाह हाफ़िज़।